एवरीवन, आप सबका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में वेलकम है। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चार बड़ी फाउंडेशन जो सूद के बगैर कर्ज देती हैं। बिला सूद, बगैर सूद के इंटरेस्ट फ्री लोन आप कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं तो आपको कर्ज चाहिए, वो भी आपको यहाँ से मिलेगा बगैर सूद के। अगर आप शादी करना चाहते हैं अपनी औलाद की, या फिर अपनी शादी करना चाहते हैं तो आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको वो भी लोन मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लोन मिलेगा। लोन वापस करने की जो लिमिट है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना अरसे के बाद लोन वापस कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे लोन आप 5 लाख तक वसूल कर सकते हैं, यानी कि 10,000 से 5 लाख तक। यहाँ पे चार फाउंडेशन है जो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देती हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि डेली की इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक इजीली पहुंचती रहे। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं, आपको पढ़ के सुनाता हूँ मैं। यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ दूंगा कि आप कैसे हासिल करेंगे। यहाँ पे टीम के नंबर भी हैं, आप उनसे रابطہ करके, इनके जो दफ्तर हैं, हर शहर में दफ्तर है इनकी। ये जो पहला पहले नंबर पे आ रहा है कि कर्ज़े हसना फरहम करती हैं, पहले नंबर पे जो फाउंडेशन है उसके जो दफ्तर हैं हर शहर में होते हैं। नंबर भी आप कॉल करके इन तक इजीली पहुंच सकते हैं। सो फ्रेंड, पाकिस्तान में चार ऐसी फाउंडेशन हैं जो सूद के बगैर कर्ज फराहम करती हैं। इन फाउंडेशन का मकसद पाकिस्तान से सूद का खात्मा करना और गरीब मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कारोबारी मकासद के लिए कर्ज देकर इस काबिल बनाना है कि तमाम गरीब लोग अपना ज़ाती कारोबार शुरू कर सकें। सो फ्रेंड्स, जो पहली कर्ज़े हसना फाउंडेशन है उसका मकसद ये है कि वो आपको कर्ज दें और जो गुरबत का तबका है, जो गरीब आवाम है, उनको अपना कारोबार करवाना है। सो फ्रेंड्स, नीचे अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इनकी जो कैटेगरी है, जिंदगी के लिए गए कर्ज़े की किस्तें उतारता रहता है। इन फाउंडेशन से आप मदरजा ज़ैल मकासद के लिए कर्ज ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो इनकी मकासद हैं, भी आप किस मकसद के लिए लेना चाहते हैं वो मकसद सुन लें पहले। कर्ज कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए, घर बनाने के लिए, अपने बच्चों और बहन बेटियों की शादी के लिए, तालीम के लिए। इसके अलावा अगर किसी और परेशानी में मुबतला है और आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप इन फाउंडेशन से राबता कर सकते हैं। पहली फाउंडेशन क्या है जी? अखुवत फाउंडेशन। इसका दफ्तर हर शहर में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस फाउंडेशन की 300 ब्रांचें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। कर्ज़े हसना लेने वाले उम्मीदवार अपने करीबी अखुवत के ऑफिस में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जो यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लाहौर से हैं या कराची से हैं या मुल्तान से, भावलपुर से, जो भी आपका सिटी है, मुल्तान है भले, आप वहाँ से अपना अखुवत जो ऑफिस है उसका पता करें। वहाँ पे जाके अपना जो भी आपका ऑफिस है वहाँ पे आप अप्लाई करें। आपको कितना कर्ज चाहिए? अखुवत फाउंडेशन 10,000 से 5 लाख तक कर्ज देती है। आप 10,000 से ऊपर यानी कि 5 लाख तक जितना आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड, नीचे आ जाते हैं। कर्ज की वापसी आसानी से जितने सालों में चाहें कर सकते हैं। ले जी, इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट और क्या मिल सकता है? दोस्तों, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उनका नंबर है। अगर आपको अखुवत के दफ्तर का नहीं पता तो ये नंबर है, आप इस पे कॉल करके इन तक इजीली रसाई हासिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। दूसरी जो फाउंडेशन है फ्रेंड्स, वो है तूबा फाउंडेशन। ये फाउंडेशन कराची में बड़े लेवल पर काम कर रही है। इस फाउंडेशन से मदरजा ज़ैल कामों के लिए कर्ज़े हसना लिया जा सकता है। वो जो मकासद हैं वो सुनिए जी इनके भी। कारोबार शुरू करने के लिए, शादी के लिए, तालीम के लिए, घर बनाने के लिए, अगर किसी आदमी ने सूद पर कर्ज लिया है तो कर्ज के किस्तें उतारने के लिए, एमरजेंसी इलाज के लिए, इस फाउंडेशन से 5,000 से 50,000 तक आप कर्ज ले सकते हैं।
मज़ीद तफसीलात के लिए इनका भी यहाँ पे नंबर दिया गया है। आप इनके जो यानी कि 5,000 से 50,000 तक फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन आप कैसे ले सकते हैं, इनसे रब्ता करके आप इन तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के नीचे आ जाते हैं। जब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली की इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक ईजीली पहुँचती रहें। सो फ्रेंड्स, नीचे जो थर्ड हमारी फाउंडेशन है, अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, ये फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में तलीम का जो मकासद है उसके लिए और कारोबार के मकासद के लिए कर्ज़ हसना फराहम करती है। इस जो फाउंडेशन का मकसद है वो तलीम वाले लोगों की मदद करती है और जो कारोबारी लोग होते हैं उनकी मदद करती है। ये जो फाउंडेशन है ये 20,000 से 50,000 तक कर्ज दे सकती है। सो फ्रेंड, इससे कर्ज हासिल करने के लिए भी यहाँ पे आपके पास नंबर मौजूद हैं, इन पे कॉल करके आप इन तक रसाई हासिल कर सकते हैं, इन तक पहुँच सकते हैं। सो फ्रेंड, हमारी जो चौथी फाउंडेशन है वो है एहसास कर्ज़े हसना प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत पूरे पाकिस्तान में छोटे लेवल पर कारोबार शुरू करने वाले मर्द खवातीन को कर्ज़ हसना दिया जाता है। एहसास प्रोग्राम से 75,000 तक कर्ज लिया जा सकता है। जो चौथी हमारी फाउंडेशन है इससे आप जो छोटा मोटा जो कारोबार होता है, फीमेल्स करती हैं घर में कपड़े का जो भी, यानी कि आप उसके लिए पैसे वसूल कर सकते हैं इनसे 75,000 तक। दोस्तों, कर्जे की वापसी उम्मीदवार की सूरत हाल को देखते हुए तय की जाती है। देखें, वो सारा कुछ मद्देनज़र रखते हैं। अगर आप गरीब हैं, आपके सोर्सेज आमदनी के कम हैं, तो वो आपके यानी कि जो भी आपके टाइम देख लेंगे, आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल जितना आप बोलेंगे उतना आपको वो करके दे देंगे ताकि आप उसमें पैसे वापस करने में इजी रहें। मदीद यहाँ पे इनके भी नंबर आपको दिए गए हैं, इन पे आप कॉल करके इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। ये आपको अपने दफ्तर का एड्रेस देंगे, वहाँ पे आप जाके अपना यानी कि फॉर्म वगैरह फिल करके अप्लाई करेंगे तो आपको अकाउंट बनवाना पड़ेगा अपना बैंक में, उसमें ये ट्रांसफ़र कर देंगे या आपको बाय हैंड कैश दे देंगे। सो फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी ना किसी का भला हो जाए। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।